कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नवीन महिवा मंडी में लगने वाले विभिन्न मंडियों के लिए समय निर्धारित की गई है, जिसमें मंडी में आने वाले व्यापारियों को संक्रमण से बचाया जा सके। जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महिवा मंडी में अलग अलग वस्तु के लिए लगने वाली चारों मंडियों का समय निर्धारित किया गया है, जिसके तहत हरी सब्जी मंडी का समय रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, आलू प्याज सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, फल मंडी सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, गल्ला मंडी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक तथा मछली मंडी को सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मंडी की सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए महिवा मंडी में अलग अलग जींस की मंडी चलती है, जिसमें प्रमुखता आलू प्याज की मंडी अलग चलती है, हरी सब्जी की मंडी अलग चलती है, इसके अलावा वहाँ पे मछली मंडी चलती है और फल मंडी चलती है और गल्ला मंडी चलती है। तो इन सब के लिए क्योंकि ये मंडी में भीड़ प्रायः ज़्यादा देखने मिलती है, इसलिए वहाँ पर सभी अलग अलग मंडियों का टाइम अलग निर्धारित कर दिया गया है। जैसे सब्जी मंडी जो चलेगी, जो सब्जी मंडी 12 बजे से लेकर 7 बजे सुबह तक सब्जी मंडी को चलाने का टाइम बनाया गया है। उसके बाद आलू प्याज की मंडी है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बनाए उसको रखा गया है। इसी के साथ फल मंडी भी सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। गल्ला मंडी को हमने दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक रखा है और मछली मंडी को सुबह 5 बजे से 11 बजे तक रखा है। इसके बाद जो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का शाम का समय है वो हमारे पास खाली समय रहेगा, तो उसमें मंडी में वृहद रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य होगा और सफाई का कार्य होगा। तो हमने इस तरह से उसको बांट दिया है, मंडी के सभी आढ़तियों को बता दिया गया कि उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी हमारी लग चुकी है इस काम के लिए और सभी को सख्त हिदायत दी गई कि बिना मास्क के कोई भी विक्रय नहीं करेगा और फुटकर विक्रय को पहले ही बंद कर दिया गया है। सभी मंडी के जो जींस हैं उसको अलग अलग डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, अलग अलग जगहों पर लगा दिया गया है। हमारा पूरा प्रयास है कि मंडी में किसी प्रकार से भीड़ न लगने पाए।